हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में UMT का जो है फुल इंस्टॉलेशन हम करेंगे अपने कंप्यूटर में, बिल्कुल न्यू। जैसे आप न्यू UMT कार्ड खरीदते हो ना, उस टाइम जो आपको सारे सेटअप करना होता है, वो सारे सेटअप मैं आज के इस वीडियो में जो इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है भाई। माई कंप्यूटर पर गए और यहाँ पर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाके, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे हम UMT को कनेक्ट करेंगे तो स्मार्ट कार्ड का जो पोर्ट बन गया आएगा, ठीक है भाई। चलिए UMT कार्ड को हम जो है अपने PC से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने कनेक्ट किया, यहाँ नीचे आप लोग देख लो स्मार्ट कार्ड जो है वो बन गया लिखा हुआ आ चुका, मतलब कि जो आपका जो UMT कार्ड है वो PC से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है भाई। अगर आप लोग को के PC में अगर ऐसा नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार फिर से निकाल के लगाना तो आ जाएगा। इसका कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ड्राइवर जो है वो PC में पहले से ऑलरेडी होता है। स्मार्ट कार्ड का जो ड्राइवर वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप UMT को जो है अपने PC से कनेक्ट करोगे, स्मार्ट कार्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, अब यहाँ पे जो दो फाइलें हैं वो मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, आप लोगों को भी ये डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड आपको कहाँ से करना है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे जाना है आपको, और यहाँ पे सर्च करना हमारी वेबसाइट selubhai.selubhaigsm.blogspot.com, ठीक है। सारे सेटअप मैंने एक ही फाइल में आपको दे दिया यहाँ पे डाउनलोड करके, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेटअप आप लोग डाउनलोड करोगे तो इस वेबसाइट पे जाना है, जो कि हमारी वेबसाइट selubhaigsm.blogspot.com, ठीक है। तो जैसे ही वेबसाइट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर UMT ऑल सेटअप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड MTK QC फायर, ठीक है। तो आप लोग जो रेड मोर पर नीचे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फाइलें मिलेगी, एक तो UMT सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड, और नीचे आप देखेंगे UMT ऑल सेटअप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, ठीक है। तो आपको दोनों फाइलों को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मीडिया फायर ओपन होगा, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों को दोनों फाइलें डाउनलोड कर लेना है, ठीक है भाई। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चलिए, दोनों फाइलें यहाँ पे डाउनलोड है मेरे पास ऑलरेडी, तो दोनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट, तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, इस पर पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पासवर्ड आपको डालना है हमारे चैनल का नाम, ठीक है भाई। ओके करेंगे, फाइल एक्सट्रैक्ट होने लग जाएगी, सारे सेटअप है इस फाइल में, ठीक है। तो ये फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, सबसे सरल और आसान तरीका मैंने बताया आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट मिस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे UMT सपोर्ट एक्सेस पे जाएंगे और इस पर डबल क्लिक करके रन करेंगे, एकदम लेटेस्ट वर्जन है 2.1, ऊपर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिनिश। तो देख लो यहाँ पे जो है इसका आइकन बन के आ चुका है शॉर्टकट, डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे हम। तो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम इंस्टॉलर पे जाएंगे क्योंकि हमें सेटअप डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सारे लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से डाउनलोड करने पे कई बार क्या होता है कि जो वो फेल हो जाता है, वो सेटअप जो है वो कम्प्लीट डाउनलोड नहीं हो पाता, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड करने पर जो है वो कई बार सेटअप पूरा डाउनलोड नहीं होता और कंप्लीट दिखा देता है बट डाउनलोड नहीं हो पाता और इंस्टॉल नहीं हो पाता, इसके लिए हम लोग यहां से डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। आप लेटेस्ट वर्जन यहां चेक कर सकते हो,
बट डाउनलोड यहाँ से होता नहीं है, काफ़ी सारे सेटअप फेल हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया और स्टार्ट किया तो फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, पर यहाँ पे स्पीड भी स्लो रहती है। और दूसरी बात, कई बार होता क्या है कि यहाँ पर फाइल कम्प्लीट होती नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ से डाउनलोड नहीं करते। बस आप लोग यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए इसको क्लोज करेंगे और लेटेस्ट वर्ज़न आप लोग यहां से चेक करके आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वैसे हम लेटेस्ट वर्ज़न की जो है वीडियो डालते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वहां से आपको लेटेस्ट सेटअप जो है वो मिल जाया करेगा। बट आप लोग चेक यहां से कर सकते हो कि कौन सा लेटेस्ट वर्ज़न आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करेंगे और जो ऑल सेटअप हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं उन्हें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सारे सेटअप आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि सारे सेटअप मैंने डाउनलोड करके एक ही फाइल बना के दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फाइलों को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है राइट क्लिक करके। एक एक करके सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सारी फाइलें हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कर चुके हैं, जितनी भी फाइल थी हमारी। ठीक है भाई, तो सबसे फर्स्ट में हमें करना क्या है, ऊपर वाली फाइल पे जाएंगे, UMT कार्ड मैनेजर। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गेट कार्ड इन्फो पे क्लिक करना है। ठीक है भाई, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और आपको जो है कंप्यूटर को वो नेट से कनेक्ट रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कार्ड की जो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरा कार्ड जो है वो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको एक्टिव कराया है, बट अगर आपके पास न्यू भी है तब भी सेम यही प्रोसेस करना है। ठीक है, गेट कार्ड इन्फो पे क्लिक करेंगे एक बार आप, और उसके बाद जो नीचे अपडेट कार्ड काउंटर है आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक कर लोगे आपका कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ आ चुका है कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो चुका है, यू कैन यूज़ नाउ। ठीक है, तो अब आपका कार्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सारे सेटअप आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करेंगे डबल क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इसको टिक कर देना है क्योंकि हमें डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए, और नेक्स्ट करेंगे। फिनिश, तो आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड पे जाएंगे, इसी तरीके से सारे सेटअप हमें इंस्टॉल करना है, इसे ऊपर टिक करेंगे नेक्स्ट। तो ओके पे क्लिक करेंगे इसको, और ये कुछ इस तरीके से अगर आ जाए आपके पास तो आपको कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट रखना है और रिपेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ही सेकंड में आपका जो ये जो भी प्रॉब्लम है वो इसको फिक्स कर लेगा। ठीक है भाई, भाई लोग वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये यहाँ पे सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है, क्लोज करेंगे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। सेटअप यहाँ पे रन होगा तो हम उसे कैंसिल करेंगे। चलिए आगे का सेटअप इंस्टॉल करते हैं, सेम प्रोसेस है, डबल क्लिक करके रन करना है आपको सारे सेटअप को। ठीक है भाई, ऊपर टिक करना नेक्स्ट करना नेक्स्ट।
वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप एक भी पार्ट मिस कर दोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया है। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश, इसको अनचेक करना है आपको, ठीक है, क्योंकि सेटअप जो है वो रन होता है। और फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट वाला सेटअप डबल क्लिक करेंगे, इसे टिक करेंगे। सारे सेटअप इसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको जो है एक कोई सा भी मीडिया टेक वाला फ़ोन लेके यहाँ पे पोर्ट को फिल्टर करना पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको करना पड़ता है। ये मैं आप लोगों को आगे करके दिखाऊंगा, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। चलिए फ़िलहाल हम इसे क्लोज़ करेंगे, आगे दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। और दूसरा बैक करेंगे इसे, आगे कौन सा सेटअप बचा है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ऊपर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, फिर इसको अनचेक करेंगे फिर से, नहीं तो सेटअप जो है वो रन होता है हमारा। तो ये सेटअप भी हो चुका है इंस्टॉल, तो सारे सेटअप हमने जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं। और कुछ इस तरीके से इनके जो है वो आइकन आपके पीसी पे जो है वो डेस्कटॉप पे बन के आ जाएंगे सारे सेटअप के, ठीक है भाई। तो ये सेटअप जो है वो सारे सेटअप मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो है इंस्टॉल करके दिखा दिया। और ये UMT अगर आप न्यू ख़रीदते हो तो ये सारे सेटअप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और इन सेटअप को आपको चलाना कैसे है वो सब मैं आगे के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो वो वाला पार्ट आप लोग देख लेना, क्योंकि एक सेटअप से काम नहीं चलता है। इसमें हर फ़ोन के लिए अलग अलग, हर CPU के हिसाब से काम होता है, हर CPU के लिए अलग अलग सेटअप इसमें दिया गया है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को कैसे फ़ोन अनलॉक करना है उसका ट्यूटोरियल वीडियो आगे नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल क्योंकि आप लोगों को CPU वाइज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फ़ोन में आप लोगों को अनलॉक करके दिखा भी दूंगा तो फिर दूसरा फ़ोन आप लोग कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को कि कौन से फ़ोन में कौन सा CPU लगा है और कौन से CPU वाइज आप लोगों को किस तरीके से फ़ोन को अनलॉक करना है, सब कुछ अच्छे से मैंने बताया है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। यहाँ पे एक सेटअप को हमने रन किया है QC Fire का, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सेटअप जो है वो Qualcomm डिवाइस के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेना आप लोग, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।